महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, एनसीबी ने पहले कहा कि वे हस्तक्षेप करेंगे। शाम तक उन्होंने कहा कि चूंकि पत्र पर कोई हस्ताक्षर या नाम नहीं था, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, लेकिन चिट्ठी में लगे आरोपों को देखते हुए अगर फिर भी अनदेखी की जाए तो ये पूरी संस्था पर सवाल खड़ा करता है। बताएं मूथा साहब, बताएं ज्ञानेश्वर सिंह, बताएं समीर वानखेड़े के दाढ़ी वाला कौन है, किस देश का व्यक्ति है, कहां की नागरिकता है, कितने मामले देश में दर्ज है। अगर वो डीजी है तो ढूंढना पड़ेगा। अगर डीजी साहब ने नहीं रिवील किया, नहीं सीसीटीवी फुटेज निकाले, तो हमें लगेगा कि पूरा डिपार्टमेंट इस खेल में शामिल है। क्या ड्रग के किसी मामले में पकड़ा जा चुका है? क्या ड्रग के किसी मामले में पकड़ा जा चुका है? दावेदारी शेवट पर्यंत ठाम राहणार आहात तो आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स से क्विट करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जो मैंने सर्टिफिकेट डाला है, निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने लोगों के सामने रखा है, अगर वो गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा, और मैंने ही कहता कि वो नौकरी छोड़ दें। कम से कम आके जनता से माफ़ी मांग ले कि ये चीज़ सही है, मैंने उसे टेम्पर किया है। मैं उन्हें नौकरी से इस्तीफा दूँ ये नहीं कहता, लेकिन नौकरी तो जाएगी कानून के तहत। कल आप लोगों से संवाद साधते समय जो एक एनसीबी के अधिकारी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, हमने वो पत्र अपने कवरिंग लेटर के साथ डीजी एनसीबी को भेजा है। पहले कहा गया कि उसकी भी हम दखल लेंगे, और शाम होते होते ये कह दिया गया कि जो सीवीसी की गाइडलाइन है, कोई भी कंप्लेंट जिस पे कोई दस्तखत और नाम ना हो, उसको दखल ना लिया जाए, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप उस पत्र में हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा होने जा रहा है। निश्चित रूप से जांच के लिए टीम आई है, जांच शुरू की गई है, पंच को बुलाया गया है। एनसीबी हमेशा कहती रही कि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस पे ही हम जांच करते हैं। जिस तरह से प्रभाकर साली ने सारी घटनाक्रम को एफिडेविट द्वारा, वीडियो द्वारा उल्लेखित किया है, मैं मांग करता हूं जो आई है विजिलेंस कमेटी, वो समीर वानखेड़े जी का, केपी गोसावी का और प्रभाकर का, और एक किरदार और इसमें है जो समीर वानखेड़े जी का ड्राइवर है, पुलिसिया है, माने, इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी।